कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कोरोना काल के पहले की नहीं है, बल्कि आज जब पूरे देश में कोरोना तबाही मचा रहा है तब भीड़ इकट्ठा हुई है। जबलपुर की सब्जी मंडी में लोगों का पूरा हुजूम एक ही बार सब्जी मंडी में टूट पड़ा। दरअसल लोगों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने सब्जी मंडी में सुबह 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक का समय निर्धारित किया, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि लोग कोरोना महामारी को जैसे भूल ही गए हो। अब प्रशासन कह रहा है कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ऐसे ही उड़ाते रहे तो सब्जी मंडी खोलने को लेकर फिर से विचार करना पड़ेगा। कर्फ्यू के कारण ही हम कोरोना के केसेस की संख्या और उसको नियंत्रित करने में सफल हो पा रहे हैं, ये दोनों अनुभव हमारे पास हैं। पिछले साल के कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ था तो कोरोना नियंत्रण में आ गया था, इस बार फिर केसेस बढ़े थे, आपने देखा जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ लोगों ने कोई भी परवाह किए बिना फिर वैसे ही शुरू कर दिया था अपना रहन सहन जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर कोरोना के केस बढ़े और दुगनी रफ्तार से बढ़े, आपने देखा होगा 2 लाख तक संख्या गई थी पिछली बार, इस बार 4 लाख से अधिक केसेस पर डे हमारे देश में आए। फिर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया गया अलग अलग स्थानों पे, फिर आप देख रहे हैं कि कोरोना ठीक तरह से नियंत्रण में आ रहा है और अभी की ये स्थिति है, आप देख रहे होंगे कि कोरोना अब नियंत्रित स्थिति में है, अभी हम ये कह सकते हैं। और यदि इसी तरह चलता रहा तो पूरी संभावना है कि हम लोग कोरोना को 2 या 3% की स्थिति में ले आएंगे, लेकिन फिर जैसा शासन लगातार लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू नहीं लगा सकता, रिलैक्सेशन देना ज़रूरी है, ये जनता के लाभ के लिए भी है, लेकिन ये जनता की जिम्मेदारी अब बनती है। देखिए प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है, लेकिन अब ये जनता की जिम्मेदारी बनती है कि लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू में ढिलाई के बाद वो नियंत्रित रहें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित और नियंत्रित रखें, बिल्कुल भी भीड़ ना लगाएं, जैसा भी देखने में आ रहा है कि सब्जी मंडी में लोग बिल्कुल इस तरह से आ रहे हैं जैसे कि कभी सब्जी मिलेगी नहीं। और हम ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जनता के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इसलिए आप लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी अपनी जो बताया गया कि मास्क के साथ रहें, भीड़ कहीं ना लगाएं, ज़रूरत के हिसाब से घर से निकलें, तभी हम इसे नियंत्रित रख पाएंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि जो तीसरी वेव की चर्चा चल रही है उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोरोना की पहली लहर के थमने के बाद लोग ऐसे ही बेपरवाह हुए थे जिसकी वजह से देश में कोरोना की दूसरी लहर आ गई और लाखों लोगों की मौत हो गई। फिलहाल एमपी में कोरोना की रफ्तार घट रही है, लेकिन जिस तरह से लोग लापरवाह हो रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, उससे एक बार फिर कोरोना की रफ्तार में इजाफा हो जाएगा और खामियाजा हर कोई भुगतेगा। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, एमपी तक।